कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और उनके नरसंहार की कहानी को दिखाती फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ का और दर्शन कुमार उनके पोते कृष्णा के किरदार में नजर आए थे। फिल्म में कृष्णा ही फिल्म की वो कड़ी है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म से पर्दा हटाती है। आप कह सकते हैं कि दर्शन कुमार का किरदार फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा रहा। किरदार की इम्पोर्टेंस को समझते हुए दर्शन कुमार ने भी कृष्णा का रोल बड़ा उम्दा तरीके से निभाया। उन्हें उनके इस रोल की वजह से खूब वाहवाही भी मिली। लोगों ने कहा कि दर्शन इस किरदार के लिए ही बने थे लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि कृष्णा के किरदार को निभाने के लिए दर्शन कुमार मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, बीते दिनों ही सामने आई रिपोर्ट्स की माने तो कृष्णा के किरदार के लिए दर्शन नहीं बल्कि अक्षय कुमार डायरेक्टर की पहली चॉइस थे। हालांकि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने इस खबर से इनकार किया है। प्रोड्यूसर ने सफाई दी है कि अक्षय को कभी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया ही नहीं गया था। प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कृष्णा कैरेक्टर के लिए चुनिंदा नाम सेलेक्ट किए गए थे लेकिन विवेक अग्निहोत्री दर्शन कुमार को लेकर बहुत स्पेसिफिक थे। वैसे फिल्म में दर्शन कुमार ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है, वो विवेक की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर के बयान से ही साफ हो जाता है कि ये खबरें महज झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये खबर सामने आई तो जो लोग दर्शन कुमार को इस किरदार में देखकर बहुत खुश थे वो थोड़े से परेशान हो गए थे। मगर अब इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए मेकर्स ने बता दिया है कि दर्शन ही इस किरदार और इस फिल्म के लिए वन एंड ओनली चॉइस थे। बात करें द कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो फिल्म ने 2 हफ्तों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने अब तक अपने खाते में 300 करोड़ से ज्यादा जोड़ लिए हैं और दो और फिल्म की कमाई अब भी जारी है जो कि ताबड़तोड़ चल रही है। कश्मीर फाइल्स को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिल्म को लेकर विवाद हुआ तो वही कई राज्यों में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिखाया गया। फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी भी अहम रोल में नजर आए हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।